जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम एक नया पैसेज लेके आए हैं आपके लिए। उसका नाम है हाउ टू मेक योर वर्क डे मोर इंजॉयबल। ओके, कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं अपने ऑफिस में या समथिंग, जहाँ पे काम पे, ठीक है। ओके ओके ओके, इसमें अच्छा जी, इसमें ब्लैंक्स आ गई हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। Bringing a personal dash to work will make the place feel more homely। अच्छा जी, कोई अपनी पर्सनल कोई चीज़ लेके आनी है डैश, तो वो अपने ऑफिस अगर हम ले आते हैं तो उससे हमें अपने घर जैसा माहौल फील होगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। उसे चेक करते हैं किस चीज़ की सजेशन उन्होंने दी है। अच्छा जी, ये पढ़ लेते हैं। रिसर्च शोज दैट वर्क टेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली अ थर्ड ऑफ अवर लाइफ। मोस्ट ऑफ अस गेट सो बोग्ड डाउन विद डे टू डे टास्क दो दैट वी इजिली फॉरगेट वी ओरिजिनली अप्लाइड फॉर द जॉब एंड वॉट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। अभी तो कोई पॉइंट की बात नहीं आ रही, तो नीचे चले जाते हैं इस पे। फिजिकल चेंजेस ऑफ योर वर्क इन्वायरमेंट कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस। अच्छा, फिजिकल चेंजेस, कोई खास अगर आप चेंजेस करते हैं काम पे, वो एक बड़ा डिफरेंस लेके आती है टू हाउ यू फील। आपकी फीलिंग्स के एंगल से आंसर आने वाला है, आपको उसकी पहले से खुशबू आ जानी चाहिए। ओके, गेट सम ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कोई पौधे वगैरह ले आए, और अ फैमिली फोटो फॉर योर डेस्क, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं जी, ये देखें, ब्रिंगिंग अ पर्सनल डैश। अब यहाँ पे आ पर्सनल एक, ठीक है, एक चीज़ है, तो वहाँ पे प्लांट तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि प्लांट्स तो नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लूरल में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ प्लांट या सिंगुलर चीज़ होती तो हम सोच लेते, ये तो किसी सूरत नहीं आ सकता। और आ गया फैमिली फोटो, इसके बारे में सोचा जा सकता है, ब्रिंगिंग अ पर्सनल फैमिली फोटो। तो ये देखिए, ये है वन वर्ड ओनली, वन वर्ड ओनली है, तो हमें मेन वर्ड लगाना चाहिए, वो है फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम फोटो लिख लेंगे। उसके लिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन नोटपैड, ये हो गया नोटपैड। क्वेश्चंस हैं जी 15 to 20, सही है। गिव मी 5 सेकेंड्स। जी ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, 15 वाले पे हम लिख लेते हैं फोटो जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक द पोजीशन ऑफ ऑल डैश बिफोर यूज टू अवॉइड पुलिंग एनी मसल्स। इससे पहले कि हमें मसल्स में कोई पेन हो, तो उससे बेहतर है कि हम किसी चीज़ की पोजीशन देख लें, जो चीज़ें हैं कुछ खास जो वो बताई जाएंगी, ठीक है, उनकी हम पोजीशंस देख लें। बड़ी अजीब सी कुछ बात की है, लंबी भी समझना पड़ेगा इसे। यहाँ पे थे डेस्क पे। नेक्स्ट जी, फाइल ऑल दोज ऑड बिट्स ऑफ पेपर और थ्रो देम अवे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं उन्हें आप फेंक दें। ऑल ऑफ दीज लिटिल टचेज कैन मेक योर वर्क इन्वायरमेंट फील लाइक इट्स योर्स। मेक श्योर एनी स्क्रीन यू हैव आर एट अ सूटेबल हाइट सो यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर नेक एंड शोल्डर। अच्छा जी ठीक है, इनमें खिंचाव पैदा नहीं होगा, ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन जो हैं, ठीक है, वो सूटेबल हाइट पे हों। तो वहाँ पे कुछ पोजिशन की बात हुई है, और यहाँ पे हाइट की तो बात बन जाएगी यहाँ पे ऑफ ऑल स्क्रीन्स, ठीक है।
check the position of all screens. Yeah, I'm sure 16 ka sahi hai ji. Next chalte hain. Leaving the office in the middle of the day may help to realize dash later on. ठीक है, अगर ऑफिस को हम बीच में से थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि मे हेल्प टू राइज. ठीक है, बूम इसका सिनोनम है और इसका सिनोनम है किसी चीज़ में फ़ायदा होना या आगे बढ़ना. ठीक है, ज़्यादती होना इन अ पॉजिटिव वे, वो हम चेक कर लेते हैं. पॉजिटिविटी इंक्रीज होना, तो इस संग की कौन सी बात है. ह्यूमन नीड्स टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एवरी नाउ एंड देन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. इम्प्रूव आ गया वर्ड, इम्प्रूव आ गया है, इसका सिनोनिम था राइज, ये वाला. ओके चलें जी, इम्प्रूव का ये था, लेकिन मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ के. गो आउट एट लंच टाइम फॉर ए क्विक वॉक, ये भी उन्होंने बोल दिया कि आप थोड़ा सा निकलें ऑफिस से, ठीक है, या वॉक के लिए. इफ यू हैव द ऑप्शन इट्स अ गुड आइडिया टू वर्क फ्रॉम होम ओकेजनली. ठीक है, अगर ऑप्शन हो तो कभी कभी घर पर बैठ के भी काम कर ले. ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया. पहली दो लाइनों में या पहली लाइन के एंड पे है प्रोडक्टिविटी, वो मैं लिखने लगा हूँ. ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक पे चलेंगे. वन बाय वन हमने करनी है. तो इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड चेकिंग अ डैश ड्यूरिंग ब्रेक्स, कहता है ये आपको टिप दी जाती है कि फलानी चीज़ चेक ना करें, जैसे कि मोबाइल हो गया या कुछ अपडेट्स वगैरह, ये हम कह सकते हैं. ठीक है, चेकिंग अ डैश ड्यूरिंग ब्रेक्स मे बी. Let's see. Humans need to change of environment every now and then to improve productivity. Go out lunch time. ये बात हुई थी, ये पढ़ा था. And if there's a conference coming up, ask if you can go along to it. Conference हो तो उसमें चले जाए. Not only will you practice of networking skills. ये तो पहले वाली बात है, किस चीज़ को avoid करना भाई. नीचे चलते हैं. यूज कॉफी टाइम टू गेट टू नो अ कोलीग यू डोंट यूजली स्पीक टू. अच्छा, जब कॉफ़ी टाइम हो तो किसी से आप बातचीत कर लें, किसी कोलीग के साथ जिससे पहले आपने कभी मुंह नहीं लगाया. देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग एट वन थिंग दो. ठीक है, ओनली टू रिप्लेस इट विद अनदर. So leave your mobile alone. अच्छा जी, ये जी मोबाइल स्किप करना, ये तो तुक्का भी लगाया था. ठीक है, आप तो आपको उस्ताद मान जाइए, जाना चाहिए मुझे. ठीक है, इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड चेकिंग अ मोबाइल या सूटेबल है, और लिख लेते हैं जी मोबाइल के स्पेलिंग बोलिएगा MOBILE. आप लोगों को स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए आइट्स में. ठीक है, लिसनिंग्स की मैं क्लासेस आगे जो हैं वो कुछ वीडियोस भी अपलोड करूँगा अपनी एकेडमी से, तो यहाँ पे यूट्यूब के लिए भी कुछ कर दूँगा मज़ीद. असल में टाइम मैनेज नहीं हो पाता. चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं इंशाल्लाह. तो मोबाइल हमने लिख लिया, इसका 18 का लिखा था, 19 है. गेटिंग इन्वॉल्व इन डैश, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना एट वर्क में हैव नेगेटिव रिजल्ट्स. अच्छा जी, किसी चीज़ में आप शामिल होते हो तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. ये था काफ़ी टाइम स्पीक टू, यहाँ पे मोबाइल की बात हुई थी. एंड अदर टिप, ये मोबाइल है. Another tip is to try to stay out. अच्छा, stay out of office gossip. In the long run, it could get
यू इन मोर ट्रबल देन यू रियलाइज। अच्छा, ऑफिस में जो गपशप होती है किसी भी किस्म की, ठीक है, तो उसमें आप शामिल ना हों, ठीक है, किसी के मुतल्लिक बात करना, बैक बाइटिंग वगैरह, ठीक है, तो गोसिप से उसने मना किया है। एक दफा मजीद कंफर्म कर लेते हैं। गेटिंग इन्वॉल्व इन डैश एट वर्क में, जी नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म में, वो गोसिप ही है, ठीक है, तो चलते हैं, गोसिप लिख लेते हैं। गोसिप है या गोसिप्स है ये चेक करना है अभी। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ, गोसिप है, ठीक है, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म में। अभी लास्ट वाली ब्लैंक है, तो हैविंग अ फ्यू डैश अवेलेबल कैन हेल्प पीपल कंसंट्रेट बेटर एट वर्क। अ फ्यू डैश, कुछ चीज़ें ले लेना, ठीक है, जो अवेलेबल हो, कैन हेल्प पीपल कंसंट्रेट बेटर एट वर्क। काम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी होती है, ध्यान ज़्यादा हो जाता है, अगर आप कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं, वो कौन सी हैं जी? ये फोकस की बात आई है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग, हंगर इज अ वर्स्ट थिंग। अच्छा जी, भूख आपको लगी हुई है तो ये तो बड़ी डिस्टर्बेंस वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही है बात। इफ यू कैन कीप सम हेल्दी स्नैक्स, अच्छा जी स्नैक्स वगैरह ले लें, इन योर डेस्क, बिकॉज इफ यू हैव समथिंग यू कैन निबल ऑन, इट विल मेक यू वर्क मोर इफेक्टिवली, इफ यू यू विल इंजॉय इट मोर एंड यू विल इंजॉय इट मोर। आई थिंक स्नैक्स ही हैं, नीचे वाली दो लाइनें देखने दें मुझे। चलें जी, स्नैक्स लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख लिए आंसर्स, तो अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। 15 to 20 जी कंप्लीट हैं। 15 to 20 टेस्ट 4 था जी, मैं टेस्ट 4 पे ही हूँ जी। आंसर्स मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट। 15 to 20 टेस्ट 4, ओके अभी आ जाता है जी। ये आ गए जी आंसर्स, 15, 16, 17 फोटो स्क्रीन प्रोडक्टिविटी, 15, 16, 17 फोटो स्क्रीन प्रोडक्टिविटी, और 18, 19, 20 मोबाइल गोसिप स्नैक्स। यहाँ पे भी 18, 19, 20 मोबाइल गोसिप्स स्नैक्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।